गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो भाई लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, अगर याद हो तुम्हें, तो मैंने बताया था कि एलएमटीडी मेथड क्या होता है, ठीक है। और एलएमटीडी मेथड से हमने दोनों का जो हमारा लॉग मीन टेम्परेचर जो था वो हमने निकाला था, ठीक है। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस हमने निकाला था, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी θ2 − θ1 डिवाइडेड बाय ln θ2 / θ1। द एक्सप्रेशन इज सेम फॉर बोथ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एज वेल एज फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बट द वैल्यू ऑफ θ1 and θ2 इज डिफरेंट फॉर काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। दैट्स वाई इफ वी विल कैलकुलेट द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, दैट विल कम आउट टू बी डिफरेंट। ओके, सो एक्सप्रेशन तो सेम ही मिला था, बट जो हमें टेम्परेचर होता है, जो θ1 और θ2 होते हैं, वो दोनों केस में डिफरेंट होते हैं। अगर उसके टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओगे तो θ1 और θ2 देखोगे, दोनों के डिफरेंट होते हैं, इसीलिए जो एलएमटीडी आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने, अगर तुम्हें याद हो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इफेक्टिवनेस और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट यूज कब होते हैं ये पता होना चाहिए तुम्हें, कि व्हेन वी विल यूज द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, व्हेन द ऑल टेम्परेचर्स आर गिवन, लाइक इनलेट, ऑल इनलेट टेम्परेचर इन योर हीट एक्सचेंजर इज गिवन एंड ऑल आउटलेट टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। और इट कैन बी डिटरमाइंड इजिली फ्रॉम द डेटा विच इज गिवन टू यू, देन यू विल यूज द एलएमटीडी, ठीक है। मतलब अगर तुम इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड को निकाल सकते हो या फिर दिया हुआ है, ठीक है, उस केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एलएमटीडी का यूज करेंगे। बट कई बार क्या होती है कि एक दो पैरामीटर्स देता है और एक दो पैरामीटर्स गिवन नहीं होते, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एनटीयू अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पास सारे जो टेम्परेचर है वो अगर नोन नहीं है तो हम एनटीयू मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और जो सरफेस एरिया होता है, इस केस में बेसिकली हम लोग सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि कितना सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो जो है हमारा एनटीयू अप्रोच, इसमें अगर देखोगे तो एनटीयू अप्रोच में हम लोगों को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक कैपेसिटी रेशियो, ठीक है, कैपेसिटी रेशियो, दूसरा इफेक्टिवनेस और तीसरा नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं तीन चीजों से हम लोग जो है एनटीयू अप्रोच के थ्रू जो हीट एक्सचेंजर है उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफ एम इंटू सी है वो बेसिकली कैपेसिटी रेट को दिखाता है, और कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, अगर कैपेसिटी रेशियो याद हो तुम्हें तो कैपेसिटी रेशियो होता है सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है। वेयर सी मिनिमम इज द हीट कैपेसिटी रेट और हीट कैपेसिटी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच हैव द मिनिमम कैपेसिटी, ओके, एंड सी मैक्सिमम व्हिच फ्लूइड कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी, ओके। उसके बाद हम मैंने बताया था कि जो हमारा कोल्ड फ्लूइड है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच सकता है वो पहुंच सकता है तुम्हारा जो इनलेट पे हॉट फ्लूइड है उसके बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम हीट एक्सचेंज के लिए जो वैल्यू हमारी आई थी वो हमारी आई थी क्यू मैक्स इजिकल टू एम सी 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 टी एच माइनस टी टी एच आई माइनस टी सी आई, दिस इज वेन द हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड इज ग्रेटर देन द हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये जो इक्वेशन थी वो थी, ठीक है। उसके बाद क्यू मैक्स अगर हमारा एम सी 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 बड़ा है तो उस केस के लिए क्यू मैक्स की वैल्यू थी एम एस सी एच टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, तो ये था, ठीक है। उसके बाद हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर हमने देखा था, और इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर को हमने डिफाइन किया था द एक्चुअल हीट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर दैट कैन अकर इन द हीट एक्सचेंजर, ओके, एंड एक्चुअल हीट यू कैन इजिली कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी दैट इज दैट विल बी गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड और द एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड दैट विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द हीट एक्सचेंजर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वी हैव कैलकुलेटेड अबव एज दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट वी हैव, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का जो रेशियो था वो हमारा क्या कहलाया था, इफेक्टिवनेस कहलाया था, जो दो तरह की हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी थी, एक हमने एमसीसीसी के फॉर्म में लिखी थी, एक एक एमएचसीएच के फॉर्म में लिखी थी। हीट एक्सचेंजर की जो इफेक्टिवनेस है उसको दो तरीके से लिखा था, ठीक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग केस के लिए होते हैं। बेसिकली जो सीएचसीसी वाला है, ठीक है, अगर सीएच इज ग्रेटर देन सीसी तो उसके लिए एक्सप्रेशन आता है हमारा ये,
ठीक है। और अगर सी एच इज लेस देन सी सी तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो ये दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ये आता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट को हमने डिफाइन किया यूए डिवाइडेड बाय सी मिनिमम, ठीक है, वेयर यू इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड सी मिनिमम इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच विल हैव द मिनिमम कैपेसिटी। ओके, ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, ये साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर को एक्चुअली बताता है, मेजर ऑफ जो साइज है हीट एक्सचेंजर उसको ये बताता है, ठीक है। और जितना ज्यादा हमारा एनटीयू होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो हीट एक्सचेंजर है दैट विल रीचेस टू इट्स थर्मोडायनेमिक लिमिट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मतलब हीट एक्सचेंजर का मैक्सिमम यूज तुम कर पाओगे अगर तुम्हारा एनटीयू ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले थे, इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो जो इफेक्टिवनेस है ये हम लोग ड्राइव करने वाले थे, और जहां तक अगर देखोगे इस एक्सप्रेशन को जो ड्राइव किया था वैसे ही ड्राइव किया था जैसे हमने एलएमटीडी में ड्राइव किया था, एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के डीएक्स क्या कहते हैं लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया था और उसके बाद हमने सॉल्व किया था तो डीक्यू ये आया था। यहाँ तक अगर देखोगे तो यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस पॉइंट तक जो एक्सप्रेशन है 9.32 तक, यहाँ तक तो सेम ही है जैसे हम लोग एलएमटीडी में करते थे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ये भी बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है यहाँ पे ये जो है हमारा थीटा वन और थीटा टू जो है, थीटा वन अपॉन थीटा टू को हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू थीटा वन और थीटा टू की, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ से ये वैल्यू जो थी इसको हमने निकाल लिया, टी सी नॉट माइनस टी एच नॉट माइनस टी सी नॉट की जो वैल्यू थी ये हमने निकाल ली टी सी नॉट माइनस टी एच नॉट की, इससे ही दोनों हीट एक्सचेंजर की जो इफेक्टिवनेस के दो इक्वेशन थी उनको यूज करके हमने निकाल लिया। और उसकी वैल्यू को हमने जो ये वाला एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है, 9.33 इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया था, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे हमने जो ऊपर हमारा टी एच नॉट माइनस टी सी नॉट था उसमें ये वैल्यू डाल दी थी, नीचे टी एच आई माइनस टी सी आई था उसको ऐसे ही रहने दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद इसको अगर एल एन है यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर या एक्सप्रेशन, ठीक है, यू ए एक्सपोनेंशियल यू ए 1/CH+1/CC, ठीक है। सो दिस इफेक्टिवनेस विल बिकम 1 - एक्सपोनेंशियल यू ए 1/CH+1/CC डिवाइडेड बाय सी मिनिमम, ठीक है, 1/CH+1/CC, ठीक है। सो फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज एप्सिलॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज 1 - e रेज टू द पावर - UACH 1+CH/CC डिवाइडेड बाय सी मिनिमम अपॉन सी एच 1+CH/CC, ठीक है। थोड़ा सा जो इस डेरिवेशन है ये मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों की थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन ये एक बार आया हुआ है, एक दो बार ये पूछा जा चुका है डेरिवेशन, और यहां तक नहीं आता है ये डेरिवेशन, लास्ट तक आएगा इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ एनटीयू तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को इस एक्सप्रेशन को जो है इस एक्सप्रेशन में एनटीयू किसी हिसाब से इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो एनटीयू कैसे इंक्लूड करेंगे, लेट अस एज्यूम, अगर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी एच इज लेस देन सी सी, मतलब सी सी को अगर हम बड़ा मान लेते हैं तो जो सी मिनिमम होगा दैट विल बिकम सी एच एंड सी मैक्सिमम विल बिकम सी सी, ओके। सो सी मैक्सिमम ये हो जाएगा और सी मिनिमम ये हो जाएगा। नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू डू जस्ट राइट डाउन द सी एच एज सी मिनिमम एंड सी सी एज सी मैक्सिमम, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन इन दिस इक्वेशन, राइट डाउन दिस सी एच एज सी मिनिमम एंड सी एच एज सी मिनिमम एंड सी सी एज सी मैक्सिमम एंड यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, ओके। तो ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब इसमें देखो ये जो हमने एनटीयू को डिफाइन किया था, ठीक है, एनटीयू वी हैव डिफाइंडेड एट व्हाट, यू ए अपॉन सी मिनिमम। सो जहां पे भी यू ए अपॉन सी मिनिमम आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, एनटीयू लिख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वांटिटी है यू ए अपॉन सी मिनिमम आ रही है, तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे यू यू ए अपॉन सी मिनिमम को लिख दोगे एनटीयू, ठीक है, एंड सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्वांटिटी है सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ये क्या है, कैपेसिटी रेशियो है सी, ठीक है, कैपेसिटी रेशियो को ही हमने डिफाइन किया था सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम से, तो इसको हम लोग सी लिख देंगे। तो फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर दैट इज पैरेलल फ्लो इज 1 - e रेज टू द पावर - NTU 1+C
divided by 1 plus C, where C is the capacity ratio and the NTU, as NTU we have NTU as the UA upon C minimum. Okay, so this is the expression, this is the final expression that we have. Okay, so this 9.34, this 9.34 equation is the effectiveness of parallel flow heat exchanger with hot fluid having minimum capacity. Okay, so ये तो हमने देखो, ये जो हमने डेरिवेशन किया है इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया है, या यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि जो सी एच है वो क्या है, छोटा है सी सी से, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो डेरिवेशन है ये हमने किया है. ओके, द सेम रिलेशनशिप वुड रिजल्ट इफ द एनालिसिस इज मेड ऑन द कोल्ड फ्लूइड हैविंग द मिनिमम कैपेसिटी रेट. अगर कोल्ड फ्लूइड को मिनिमम कैपेसिटी रेट मान के अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम एक्सप्रेशन ही आता है, यही वाला एक्सप्रेशन आएगा जैसा ऊपर आया है. ठीक है, so the effectiveness of the parallel flow heat exchanger is given by this equation. You have to remember this equation, that is 1 minus e raised to the power NTU 1 plus C divided by 1 plus C. Okay, so this is the expression for effectiveness of the heat exchanger. Okay, so ye to effectiveness humne nikal li kiski parallel flow heat exchanger ki, aur exam mein agar dekhoge तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, जैसा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो क्वेश्चन है एक बार आ चुका है इसका जो डेरिवेशन. ठीक है, सो इफ द डेरिवेशन कम्स, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अगर एलएमटीडी का तुम्हें याद है तो आधा जो डेरिवेशन है वो एलएमटीडी जैसा ही है, फिर नीचे जाकर के थोड़ा सा बस चेंज है. ठीक है, और तुम उसको जो है कर सकते हो डेरिवेशन को. पेपर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार कि इसके पेपर में कौन कौन से डेरिवेशन आते हैं. यहाँ पे देखो एक पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिंग फैक्टर इन द एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर. ठीक है, तो फॉलिंग फैक्टर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि फॉलिंग फैक्टर क्या होता है, जो डर्ट पार्टिकल आ जाते हैं हीट एक्सचेंजर के ऊपर उसके कारण जो उसकी इफेक्टिवनेस है या जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी थी फॉलिंग फैक्टर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है. ठीक है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का एक न्यूमेरिकल है. उसके बाद एक ये भी देख सकते हो, ये भी जो क्वेश्चन आई थिंक ये भी शायद हीट एक्सचेंजर का ही है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेड का भी. ठीक है, सो ये तीन क्वेश्चन आ रखे हैं. उसके बाद देख सकते हो इसमें पेपर में जो 2018-19 का पेपर है. ठीक है, इसमें इसमें देख सकते हो एक एनटीयू मेथड का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है. ठीक है, एनटीयू मेथड का एक न्यूमेरिकल ये तुम्हारा आया हुआ है. ठीक है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हीट एक्सचेंज से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तुम्हें बताना चाहूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन इस हीट एक्सचेंजर से जरूर आते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज मोस्ट प्रिफर्ड, वाई, ये बताना है कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर को क्यों हम लोग प्रिफर करते हैं, तो वो अभी हम लोग देखेंगे. इफेक्टिवनेस अभी हमने निकाली है किसकी,
पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की भी इफेक्टिवनेस निकालेंगे, और वहां पे तुम लोग देख सकते हो कि जो हमारा ये हीट एक्सचेंजर है वो किस तरीके से, जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है वो बेटर होता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये जो अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बाय एनटीयू मेथड। ठीक है, तो अभी जो डेरिवेशन किया है वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। उसके बाद मिनिमम जो है, मिनिमम दो क्वेश्चन तो कंफर्म है देखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, व्हाट आर द कॉमन अप्रोक्सीमेशन दैट इज मेड इन द एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा, इस नोट्स के स्टार्टिंग में कुछ एजम्पशन लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, वो जो एजम्पशन है वही इसमें लिखने हैं, जो हमने एलएमटीडी डिराइव करने से पहले एजम्पशन लिए थे। ठीक है, वो एजम्पशन यहाँ पे लिखने हैं। और मिनिमम दो क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं। ठीक है, 70 केसेस में दो क्वेश्चन आए हुए हर साल। ठीक है, जैसे व्हाट इज द इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू मेथड, डेफिनेटली अंडर व्हाट कंडीशन द इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड डेफिनेटली प्रेफर्ड ओवर एलएमटीडी मेथड इन द हीट एक्सचेंजर एनालिसिस, ये क्वेश्चन देखो ये आया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जब दोनों टेम्परेचर नोन हो, किसका, इनलेट फ्लूइड के इनलेट का और आउटलेट का, हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का, अगर सारे टेम्परेचर नोन हो तो एलएमटीडी हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी टेम्परेचर अननोन हो, ठीक है, फ्लूइड का, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनटीयू मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द एनालिसिस। सो देर आर मेनी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा इसमें एक एक करके किस तरीके से न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, और ये डेरिवेशन आया हुआ है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवनेस बाय एनटीयू मेथड फॉर पैरेलल फ्लो, अभी अभी जो हमने डेरिवेशन किया है। सो दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट एज पर एक्सटर्नल एग्जाम। ओके, तो आया है तो ज्यादातर केस में इसका पैरेलल फ्लो का ही आया, क्योंकि काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर है उसका डेरिवेशन और थोड़ा टिपिकल हो जाता है जाके आगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इससे ज्यादा टिपिकल है, तो इसीलिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का काम आता है इफेक्टिवनेस का डेरिवेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का अगर आ जाता है तो किस हिसाब से करना है। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, डेरिवेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, कंसीडर द हीट ट्रांसफर अलोंग द अक्रॉस एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंट्रेंस साइड। ठीक है, एज शोन इन फिगर 9.9। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा वही काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की जो हमारे पास फिगर थी। ठीक है, जो डायग्राम था हमारे पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का, ये वाला डायग्राम है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग मान लेंगे कि वही डीएक्स एलिमेंट हम एक मान लेंगे, बहुत ही छोटा सा डीएक्स लेंथ का एलिमेंट हम मान लेंगे। ठीक है, और अगर इसमें देखोगे तो अगर इधर की बात करें तो जो कोल्ड फ्लूड है इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो हॉट फ्लूड है उसका भी टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है यहाँ से देख सकते हो, और हॉट फ्लूड का भी टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आगे इसमें जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर की जो इफेक्टिवनेस है कैसे निकालते हैं, पहले उस डीक्यू एलिमेंट के थ्रू जो है हमारा हीट फ्लो कितना होगा वो निकाल सकते हैं, और डीक्यू की वैल्यू होगी यू इंटू डीए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज टीएच माइनस टीसी, सो यू डीए इंटू थीटा विल बी द हीट फ्लो थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ओके, वेयर थीटा इज टीएच माइनस टीसी एंड डी थीटा एज यू नो इज डी टीएच माइनस डी टीसी। ठीक है, कई बार कर चुके हैं हम लोग इस तरह के डेरिवेशन, एलएमटीडी में भी सेम स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें टीएच और डीटी क्या है, डीटीसी क्या है, ये पता होना चाहिए। दोनों जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं डीएक्स एलिमेंट में उस टाइम पे, वही हमारा क्या है, डीटीएच है और डीटीसी है। ठीक है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड एंड द कोल्ड फ्लूड। उसके बाद देखोगे तो देन हीट एक्सचेंजर बिटवीन द फ्लूड हैविंग एलिमेंट्री लेंथ, द हीट एक्सचेंज जो है एलिमेंट्री लेंथ के फ्लूड में, दैट इज गिवन बाय एबएचसीएच डीटीएच
माइनस एमसीसीसी डीटीसी, दोनों में माइनस आया है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए आया है क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर है अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए दोनों जगह पे यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो वी विल टेक दिस माइनस, सो डी क्यू विल बिकम दिस, ओके, इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो यहाँ तक तो वही है, फिर आगे भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, डी टी टी एच माइनस डी टी सी निकाल लिया, फिर डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये जो डी क्यू था डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी यू ए टू थीटा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। आगे इसको सॉल्व कर लिया, अगर देखोगे तो यहां तक जो एक्सप्रेशन है दैट इज द सेम एक्सप्रेशन दैट वी हैव डिराइव्ड, ठीक है, अर्लियर पहले जैसा हमने देखा था, ठीक है। किसके लिए? एलएमटीडी जब हम डिराइव कर रहे थे, किसके लिए? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन तक तो सेम ही है, ठीक है। अब क्या करना है आगे इसमें कि थीटा टू और थीटा वन की वैल्यू डालनी है, तो थीटा टू और थीटा वन की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में थीटा वन और थीटा टू क्या होता है। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है, ये हमारा अगर देखोगे तो दैट इज द टी सी आई इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड दिस इज द टी सी आउट, ओके, सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड एंड हियर देयर इज अ हॉट फ्लूइड का जो इनलेट का टेम्परेचर है दैट इज टी एच आई एंड द हॉट फ्लूइड का जो आउटलेट का टेम्परेचर है वो टी एच नॉट है। दिस इज थीटा वन, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज थीटा वन एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज थीटा टू, ओके, सो थीटा वन इज व्हाट विल बी द थीटा वन, इफ यू सी हियर देन द थीटा वन विल बी दिस टी एच आई माइनस टी सी नॉट एंड थीटा वन थीटा टू विल बी दिस and theta 2 will be this th naught minus tci, okay, so this theta 2 will be th naught minus tci as you can see divided by theta 1 will be equal to ua 1 upon cc minus 1 upon ch, okay, so yahan tak aa gaya, uske baad kya karna hai, wahi fir same effectiveness use karni hai aur ye value hame put karni hai th naught minus tci ki jo value hai ye hum log put karenge, theek hai, so iske liye hum log kya karte hain ki यहाँ पे इफेक्टिवनेस लिख देंगे। इफेक्टिवनेस तुम्हें पता है क्या होती है, इफेक्टिवनेस की ये वैल्यू होती है एक्सप्रेशन में बता चुका हूँ ऑलरेडी, सी एच टी एच आई माइनस टी एच नोट डिवाइडेड बाय सी मिनिमम, ठीक है, और एमसीसीसी के टर्म्स में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा जो इफेक्टिवनेस है हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इफेक्टिवनेस की, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ आउटलेट टेम्परेचर है उसको हम इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके यहाँ से हम जो है टी एच नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, तो टी एच नॉट अगर लिखोगे तो टी एच नॉट की वैल्यू आएगी टी एच आई सी मिनिमम अपॉन सी एच टी एच माइनस टी सी आई मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्टिवनेस, ओके, दिस इस एक्सप्रेशन से टी एच नॉट निकाल लिया। सिमिलरली ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दूसरे वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से टी सी नॉट निकाल लो, टी सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है, तो टी एच नॉट आ गया और टी सी नॉट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है तुमने, यहाँ पे टी एच नॉट और टी सी नॉट की जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है इस एक्सप्रेशन में, जो 9.40 एक्सप्रेशन है इसमें टी एच नॉट और टी सी नॉट ये दोनों वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे यही करेंगे, टी एच नॉट की वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पे देखो टी एच नॉट की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे टी सी नॉट की वैल्यू डाल दी, ठीक है, ये क्या था टी एच नॉट था और ये क्या था टी सी नॉट था, ठीक है, ये डाल दिया, इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टी एच आई माइनस टी सी आई सी मिनिमम माइनस सी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने में, ठीक है, एल एन हटा दिया है हमने, ठीक है, एल एन हटा के इधर लिख दिया है एक्सपोनेंशियल, ओके, सो एक्सपोनेंशियल ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे, टी एच आई माइनस टी सी आई को कॉमन ले लिया ऊपर नीचे, तो टी एच आई माइनस टी सी आई को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन सी मिनिमम अपॉन सी सी इंटू एप्साइलन वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी एच इंटू एप्साइलन इजिकल टू एक्सपोनेंशियल यू ए वन अपॉन सी सी माइनस वन अपॉन सी एच, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और दिस विल बी कैंसल आउट बिकॉज दिस इज कॉमन, ठीक है, टेक इन कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, इफेक्टिवनेस चाहिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, वन अपॉन सी मिनिमम अपॉन सी सी इंटू एप्साइलन विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय ये जो क्वांटिटी थी इसको इधर ले गए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है, तो इधर वाली क्वांटिटी तो यही रही, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिस, ठीक है, अलग अलग कर लिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके अगर एप्साइलन को कॉमन ले लोगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है, देन यू कैन कैलकुलेट द एप्साइलन एज दिस वन माइनस एक्सप्रेशन वन माइनस एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी सी वन माइनस सी एच अपॉन सी सी अपॉन सी एच और इस तरीके का कुछ एक एक्सप्रेशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सी सी और सी एच, ठीक है,
में से कौन बड़ा है ये देख लेंगे। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि सी एच इज ग्रेटर देन सी सी, ठीक है। तो अगर सी एच को ग्रेटर देन सी सी मानते हैं तो जहां जहां पे सी एच होगा वहां वहां पे सी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर सी एच को बड़ा मानेंगे तो ये सी मैक्स हो जाएगा भाई, ये सी मैक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सी मिनिमम, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां सी एच है वहां वहां पे सी मैक्सिमम डाल दो, जहां जहां सी एच है वहां पे सी मैक्सिमम, जहां जहां सी सी है वहां पे सी मिनिमम। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब इसमें जो यू ए अपॉन सी मिनिमम है उसको हम डाल देंगे एनटीयू, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, और सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम को डाल देंगे सी। तो फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस एनटीयू 1 माइनस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस c e रेज टू द पावर माइनस एनटीयू 1 माइनस c। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन 9.41 इज द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अगर तुम सीसी को बड़ा मानते हो, यहाँ पे तो हमने सीएच को बड़ा माना था, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो सी एच को आपने बड़ा माना, अगर सी सी को बड़ा मानते हो तो भी सेम एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है काउंटर फ्लूइड एक्सचेंजर की दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 9.42। यू हैव टू रिमेम्बर दिस एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हम लोग को यूज करना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो डेरिवेशन है वो जनरली इसका काउंटर फ्लो का नहीं आता है, वो आएगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का। अगर इफेक्टिवनेस तुमसे पूछी भी जाती है तो वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की पूछी जाएगी, ठीक है। जो हमने 9 पॉइंट ये वाला जो एक्सप्रेशन पढ़ा है, ठीक है, ये वाला पूछा जा चुका है 2 बार। तो मैंने दिखा दिया तुम्हें कि 2 बार तो आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हीट एक्सचेंजर की जो थ्योरी है यहाँ पे खत्म हो जाती है। इतना ही पढ़ना है हमें हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पहले हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने एलएमटीडी पढ़ा, एलएमटीडी हमने पैरेलल फ्लो का पढ़ा, फिर काउंटर फ्लो की एलएमटीडी पढ़ी, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एनटीयू मेथड। और एनटीयू मेथड का क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर सारे गिवन नहीं हो उस केस में हम लोग एनटीयू यूज करते हैं। और एनटीयू मेथड में हमें जरूरत पड़ती है इफेक्टिवनेस की, कैपेसिटी रेशियो की, ठीक है, और एनटीयू की। ये 3 चीजें यूज करके हम इफेक्टिवनेस का एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो हीट एक्सचेंजर है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा हीट एक्सचेंजर बेटर होगा और कौन सा हीट एक्सचेंजर जो है बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, जैसे चलो इसको हम बाद में देख लेते हैं, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे जब बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ यहां तक ये सबको समझ में आ गया है, एक्सप्रेशन सब सबको समझ में आ गया है, ठीक है, कि कौन सा डेरिवेशन करके जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पैरेलल फ्लो का करके जाना, ठीक है। काउंटर फ्लो का डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो फिर एक्सप्रेशन की वहां पे जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है डेरिवेशन हो गया, सारे टॉपिक इतने ही टॉपिक हैं हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। नाउ वी विल कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें आती है एक तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा जिसमें तुमसे ये पूछा जाएगा कि एलएमटीडी फाइंड आउट करो, ठीक है, या फिर एलएमटीडी हो सकता है दिया हो और तुमसे ये बोल दे कि एक कोई अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करो, ठीक है। एक तो इस तरीके का न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है, दूसरा जो न्यूमेरिकल आता है वो एनटीयू मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एज यू कैन सी, ठीक है, मोस्ट सिंपल न्यूमेरिकल। सो जो इफेक्टिवनेस आती है जनरली हमारे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की, इफ यू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, देन इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विल बी ग्रेटर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। दैट्स व्हाई द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ऑलवेज प्रिफर्ड इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है।
So over the parallel flow heat exchanger, the counter flow heat exchanger is always preferred because you will always get the higher effectiveness. Okay. So higher effectiveness will lead to the greater heat flow or larger heat flow. So your effectiveness performance will increase. So this is the first numerical. तो इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इन अ काउंटर फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, वही डबल पाइप जैसे एक पाइप के अंदर जो है दूसरा पाइप है, ठीक है। वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो कोल्ड फ्लूइड है हमारा, ठीक है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हारे पास, इनलेट का टेम्परेचर दिया हुआ है कोल्ड फ्लूइड के, और आउटलेट का टेम्परेचर दिया हुआ है। इनलेट का टेम्परेचर 25 है कोल्ड फ्लूइड का, और आउटलेट का टेम्परेचर 65 है, ठीक है। वाटर को हमने हीट किया बाय ऑयल विथ स्पेसिफिक हीट ऑफ 1.45। इसको हमने हीट करने के लिए जो यूज किया है वो ऑयल का यूज किया है, ठीक है। और मास फ्लो रेट जो है वो दिया हुआ है 0.9 kg/s, ठीक है। द ऑयल इज कूल्ड फ्रॉम 230 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो ऑयल है वो हमारा क्या हुआ है, कूल हुआ है, ठीक है। मतलब जो हॉट फ्लूड है वो कौन है, ऑयल है, ठीक है। तो ऑयल हॉट फ्लूड है जिसका कि इनलेट का टेम्परेचर दिया हुआ है 230 और आउटलेट का टेम्परेचर दिया हुआ है 160। द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैपिटल यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दैट इज 420 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द फ्लोइंग, ठीक है, क्या क्या बताना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताना है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर बताना है, और सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है। तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। एक तो ये बताना है कि इस हीट एक्सचेंजर में कितना हीट फ्लो हो रहा है, दूसरा ये बताना है कि वाटर कितने रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तीसरा ये बताना है कि जो सरफेस एरिया होगा हीट एक्सचेंजर का वो कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी कोई काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना देना है, ठीक है। यहाँ पे तो बना हुआ है लेकिन मैं दोबारा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके से तुम्हें जो है ये होता है हमारा कोल्ड फ्लूड, ठीक है, और ये होता है हमारा हॉट फ्लूड, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूड का जो टेम्परेचर है वो टी सी आई मान लेते हैं इनिशियल, और फाइनल टेम्परेचर TC0 मान लेते हैं। इसी तरीके से हॉट फ्लूड का TH1 मान लेते हैं और ये TH0 मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे टेम्परेचर तुम्हें यहाँ पे देखोगे तो दिए हुए हैं। जो वाटर है वो TCI जो है वो 25 है, और TC0 जो है वो 65 है, ठीक है। TH1 230 है और TH0 जो है वह 160 है, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर इज गिवन, TCI इज 25, TC0 इज 65, ठीक है। दिस इज द लाइन फॉर वाटर एंड दिस इज द लाइन फॉर ऑयल, ओके। THI इज 230 एंड TH0 इज 160, ओके। सो दिस इज द टेम्परेचर दैट इज गिवन टू यू, ओके। द CPH इज गिवन, ठीक है, जो हमारा हॉट फ्लूइड है उसका जो सीपी है, दैट मींस ऑयल का जो सीपी है दैट इज गिवन एज 1.45। जो हॉट फ्लूइड है उसका मास फ्लो रेट दिया हुआ है 0.9 kg/s, ठीक है। एंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज गिवन एज 420। बट यू हैव टू कैलकुलेट क्यू, यू हैव टू कैलकुलेट एमसी। एमसी इज द मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड दैट मींस वाटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग, ओके। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो टेम्परेचर कोई भी यहाँ पे अगर देखोगे तो अननोन नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हमारा अननोन नहीं है तो तुम्हें अगर याद हो एक चीज, क्या याद हो, अगर तुम्हें याद हो कि जो नेट हीट फ्लो होता है या नेट हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं जो हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड, ठीक है। सो दिस क्यू कैन बी ऑल्सो रिटन एज द हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस हो जाएगा। हीट गेन कौन करेगा, कोल्ड फ्लूइड करेगा। तो कोल्ड फ्लूइड का हीट गेन कितना होगा, m.C(cc), ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। केवल कोल्ड फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ है, TC0 फाइनल टेम्परेचर हो गया है, TCI इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ये मस्ट बी इक्वल टू वॉट, हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड, दैट इज बी इक्वल टू m.H(CH)TH1 - TH0, ओके। सो ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया एमसी डेल्टा टी से, हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस बाय द हॉट फ्लूइड, ओके। सो इसमें देखो अगर यहां पे हम बात करें तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये हम यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, ठीक है। और इस क्यू को भी हम निकाल सकते हैं,
कैसे हम निकालेंगे इस क्यू को? देखो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे हमारे पास, अगर इस हॉट फ्लूड की बात करें तो हॉट फ्लूड के लिए एमएच की वैल्यू भी नोन है, सीएच की वैल्यू भी नोन है, टीएचआई भी नोन है और टीएच नॉट भी नोन है, ठीक है? सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड दिस इज नथिंग बट क्यू, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, ये हॉट फ्लूड के जो एक्सप्रेशन है इससे कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है? तो क्यू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू क्या होगी, एम एच सी पी एच टी एच आई माइनस टी एच नॉट, ठीक है? सो दिस एम एच इज गिवेन एज 0.9, सी पी एच 1.45 इंटू 10^3 दिया हुआ है, ठीक है? किलो जूल में है ये, तो जूल में लेना है तो इसलिए 10^3 कर दिया, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय टी एच आई माइनस टी एच नॉट, टी एच आई दिया हुआ 230, टी एच नॉट दिया हुआ 160, यू विल गेट दिस क्यू एज 91350, ठीक है? तो ये 91350 हो गया, ठीक है? अब तुमने क्यू निकाल लिया, अब अगर तुमने क्यू निकाल लिया है तो क्यू की वैल्यू अगर तुमने निकाल लिया तो यही क्यू किसके बराबर है, यहां से देखोगे तो एम सी 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 एम डॉट सी, ठीक है, सी डॉट सी टी सी नॉट माइनस टी सी आई के बराबर है, ठीक है? अब तुम्हें क्या चाहिए, ये मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड निकालना है, ठीक है, या वाटर निकालना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू हमें पता है ये कितना है, 91350 है, ठीक है? एम डॉट सी तो कैलकुलेट करना है, सी 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 क्या, वाटर का जो हमारा क्या होता है हीट कैपेसिटी, तो इसकी वैल्यू तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑलरेडी पता हो है, क्या होती है, 4.18 होती है, तो 4.186 ले लो इसको, ठीक है? और ये दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, 2565 दिया हुआ था, तो ये 65 है हॉट फाइनल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 25, ओके? सो बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन इजिली कैलकुलेट एम सी एंड यू विल गेट दिस एम सी एज 0.5456 केजी पर सेकेंड, सो यू विल गेट दिस एज 5456 केजी पर सेकेंड, ठीक है? बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूड, ओके? तो कोल्ड फ्लूड का मास फ्लो रेट हमें पता चल गया, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं सेकेंड क्या पूछा हुआ है, क्यू की वैल्यू हमें पूछी थी, क्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है, मास फ्लो रेट हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया की वैल्यू, ठीक है? तो भाई सरफेस एरिया की वैल्यू निकालने के लिए हम किस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, हम सरफेस एरिया की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू मैंने बताया था यू ए इंटू थीटा एम से निकलती है क्यू की वैल्यू, ठीक है? तो अगर यहां से इस क्यू क्यू की वैल्यू तो देखो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, इस यू की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है? अगर हम ये थीटा एम कैलकुलेट कर लें और थीटा एम की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल दें तो फिर हमें एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है? तो यही करना है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, थीटा एम कैलकुलेट करना है। अब थीटा एम अगर हम बात करें तो थीटा एम की वैल्यू अगर तुम्हें एक्सप्रेशन याद हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा सॉरी एल एन थीटा 2 अपॉन थीटा 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल एम टी डी फॉर द काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो दोनों के लिए एक ही एक्सप्रेशन था, ठीक है? तो ये हमारे पास थीटा 2 और थीटा 1, अब तुम्हें पता होना चाहिए थीटा 1 और थीटा 2, तो यहां से देख लो थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 ये होगा, ये थीटा 1 होगा, थीटा 1 इज टी एच आई माइनस टी सी नॉट एंड दिस इज द थीटा 2, ओके, टी एच नॉट माइनस टी सी आई, ठीक है? तो ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो टी एच नॉट माइनस टी सी आई ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये पहले ही निकाल लेना तुम, ठीक है? थीटा 1 थीटा 2 पहले ही निकाल लेना, थीटा 1 है हमारा टी एच आई माइनस टी सी नॉट, ठीक है? तो टी एच आई माइनस टी सी नॉट, ओके? सो टी एच आई तो दिया हुआ है हॉट फ्लूइड का, शायद 200 कुछ था, आई थिंक 250 230 230 दिया हुआ था ये, ठीक है? और कोल्ड फ्लूइड का फाइनल टेम्परेचर 65 दिया था, ठीक है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ रहा है 165, ठीक है? ये 165 आ गया, ठीक है? थीटा 2, थीटा 2 कितना होगा, थीटा 2 अगर यहां से देखोगे तो थीटा 2 टी एच नॉट माइनस टी सी आई है, ठीक है? तो टी एच नॉट माइनस टी सी आई, ठीक है? टी एच नॉट कितना दिया हुआ था, टी एच नॉट 160 दिया हुआ है और ये 25 है, तो ये 160 माइनस 25, सो यू विल गेट दिस इज 135, सो थीटा 1 और थीटा 2 तुम्हारे पास आ गए हैं, ठीक है? तो जब थीटा 1 और थीटा 2 आ गए तो इस एक्सप्रेशन में डाल दो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू, सो इस एक्सप्रेशन में अगर डालोगे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू तो थीटा एम मिल जाएगा, थीटा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 165 माइनस 135 डिवाइडेड बाय
LN 165 divided by 135. ठीक है, सो यू विल कैलकुलेट दिस. इफ यू विल कैलकुलेट दिस, फाइनली यू विल गेट दिस थीटा एम एज 149.49. ठीक है, सो यू हैव कैलकुलेटेड दिस थीटा एम एज 139.49 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब ये थीटा एम जो तुमने कैलकुलेट किया है, इसको डाल दो इस एक्सप्रेशन में, ये क्यू वाली एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो इस क्यू वाली एक्सप्रेशन में डाल देंगे, यू ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, यू की वैल्यू कितनी थी, 420 दी हुई है. ठीक है, यू की वैल्यू 420 दी हुई है. ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, जो क्यू की वैल्यू थी, ये थी हमारी यू ए इंटू थीटा एम. ठीक है, यू क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं. अगर क्यू की वैल्यू नोटिस करोगे तो हम लोगों ने निकाली थी 191350. ठीक है, तो ये वैल्यू तो दी हुई है 91350. ठीक है, यू तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 420 दिया हुआ था. ठीक है, एरिया हमें कैलकुलेट करना है और थीटा एम हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया. कितना कैलकुलेट किया, 149.49 कैलकुलेट किया डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो इफ यू सॉल्व दिस यू कैन इजीली गेट द एरिया इन मीटर स्क्वायर. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट एरिया एज 1.4549 मीटर स्क्वायर. ओके, सो बाय दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था. ठीक है, जिसमें हमने Q इज इक्वल टू यू ए थीटा एम इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड, इतने बस इतना सा एक्सप्रेशन हमने यूज किया हुआ है. ठीक है, इंटायर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो. मयंक यादव, समझ में आ गया? मयंक? यस सर. ठीक है भाई, और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, अगर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं पे भी, क्योंकि देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे. ठीक है, फाइनल एग्जाम में. और कोई जरूरी नहीं कि डेटा सेम हो सकता है डेटा डिफरेंट हो भाई. कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है. एंड ठीक है, इसी तरीके से मास फ्लो रेट डिफरेंट दिया हो सकता है, लेकिन पूछा यही जाएगा. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, 7 मार्क्स में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो, और इसमें पूछा यही जाएगा. ठीक है. हेलो सर. हाँ सर, जो सेशनल वगैरह हो रहे हैं, क्लास टेस्ट भी होने के, मार्क्स कहाँ हैं? किसके मार्क्स? सेशनल वगैरह हुए हैं, ये क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं. मार्क्स अभी अभी तक कॉपी चेक हो रही है इसकी. ठीक है, और तुम लोगों को एक और चीज बता दूं कि जो क्राइटेरिया है अटेंडेंस का स्कॉलरशिप के लिए, वो 75% का है. ठीक है, तो जिसको जो जिन्होंने भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रखी है भाई, वो तो जरूर क्लास अटेंड करो, अपनी 75% मेंटेन करो, क्योंकि ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन है. ठीक, बाद में अटेंडेंस मांगी जाएगी तो उसमें 75% वो भेजा जाएगा. ठीक है, ये वाला जो जिस पीडीएफ से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है क्लासरूम में अपलोड कर दी है. ठीक है, तो वहां से तुम लोग इसको रिफर कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम
अगली क्लास में तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, एक बार जाके देख लो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे हीट एक्सचेंजर वाला, ठीक है। अब ये इसमें तीन चार न्यूमेरिकल तुम्हें अभी मुझे और कराने हैं, शायद एक या दो लेक्चर भी लग सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी के हीट एक्सचेंजर के, ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, जो कि है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, दूसरा चैप्टर इसका, और तीसरा चैप्टर है इसका मास ट्रांसफर, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर है, लगभग वो 5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, मतलब ये जो 2 चैप्टर हैं हमारे नेक्स्ट के, मतलब ये वाली जो यूनिट है ये हमारी 5 या अब नेक्स्ट 6 लेक्चर में ये वाली पूरी यूनिट जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो जितना अभी तक हो गया है हीट एक्सचेंजर में, ये तुम लोग अपना कंप्लीट कर लो, क्योंकि सेशनल तुम्हारे शायद आई थिंक 6 तारीख से है जो सेकेंड सेशनल है, ठीक है, तो उससे पहले पहले ये चीजें पढ़ लो जितना भी पढ़ाया गया है, तो शायद 3 यूनिट तक ही हो पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, तो 3 यूनिट आएगा फिर उसमें पूरा। तो आज के लिए ठीक है, कहीं बेटा कल के लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।